आज का जो वचन परमेश्वर ने मुझे दिया है, अगर हम आज के दिन को हमने पहचान लिया, अगर हम आज के दिन को समझ सके कि हमें आज क्या मिला है, तो कल की चिंता हम नहीं करेंगे। कल हमारे जीवन में कोई प्रॉब्लम लेकर नहीं आएगा। हम अपने आज को वेस्ट कर देते हैं। हम अपने आज को, आज की कीमत को नहीं समझते कि हमें परमेश्वर ने क्या दिया है, हम आज क्या हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सुबह उठकर जब हम धन्यवाद देते हैं, पहला धन्यवाद क्या होता है कि धन्यवाद परमेश्वर हम बहुत अच्छी नींद पा सके, धन्यवाद परमेश्वर कि तूने हमें एक नया दिन दिखाया है। कितने लोग सोकर उठ नहीं पाते हैं, हम लोग सोकर उठे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो उसने आज दिया है, अगर हम उसको महसूस करें, अगर हम उसकी कीमत को समझें, अगर हम उसको प्यार करें जो उसने हमें आज दिया है, मैं आपको सच कह रहा हूं, आप कल की चिंता नहीं करेंगे। आप कल की चिंता क्यों करते हैं? क्योंकि आप आज को महत्व नहीं देते। आप आज को महत्व नहीं देते, इसलिए आप कल की चिंता करते हैं। आज को आप इंपॉर्टेंट नहीं देते। आज जो आपको मिला है उसको आप समझते नहीं है, उसमें जीते नहीं है। हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ है भजन संहिता, ये नीति वचन 4:20 अगर मैं आपके लिए पढूं, मेरे पुत्र मेरे वचनों पर ध्यान दे और मेरी बातों पर अपना कान लगा। पुत्र के रूप, पिता के रूप में परमेश्वर हमसे कहता है कि हे मेरे पुत्र, मेरे वचनों पर ध्यान दे और मेरी बातों पर अपना कान लगा। जो वो कहता है उसको जिस दिन हमने समझ लिया, वो जो कहता है उस पर हमने अगर विश्वास कर लिया, वो जो कहता है अगर उसके अनुसार हमने अपने जीवन को बिताया, मैं सच कह रहा हूं, अद्भुत आनंद को आप महसूस करेंगे हर पल। परमेश्वर ने आपके लिए आनंद ही बनाया है, दुख नहीं बनाया है। आजमाइशें परमेश्वर नहीं लेके आता, आजमाता नहीं है परमेश्वर, क्योंकि उसने तो आपको चुना है, वो आपको आजमाता नहीं है, क्योंकि बाइबल कहती है कि उसने आपकी मां की कोख में आने से पहले वो आपको जानता है। आपकी मां की कोख में आने से पहले वो आपको जानता है, उसने अपना चित लगाया आप पर, तो आपको आजमाएगा क्यों? प्रेज द लॉर्ड। आप किसको आजमाएंगे? जिसको आप नहीं जानते, जिसको आप नहीं जानते उसको आजमाएंगे, लेकिन जिसको आप मां के कोख में आने से पहले से जानते हैं, उस पर आप उसको क्यों आजमाएंगे? आप जानते हैं ना कि वो कितना कमजोर है, कितना शक्तिशाली है, कितना बुद्धिमान है, सब जानते हैं ना आप। प्रेज द लॉर्ड। तो ये गलत सोच है कि परमेश्वर हमें आजमाता है। परमेश्वर हमें नहीं आजमाता है। हाँ, कुछ पल के लिए, जैसे अय्यूब को परमेश्वर ने कुछ पल के लिए परीक्षा में रखा था, लेकिन आजमाया नहीं था। वो जानता था कि वो खरा है। उसने कहा था शैतान से कि खरा है, पृथ्वी पर सबसे पहला इंसान यह है कि जो खरा है, वो जानता है। हालेलुया। शैतान आजमाता है, शैतान हमको आजमाता है, इसलिए जो उसने कहा है अगर उसको हम मानकर उसके अनुसार चलेंगे तो हम उस आजमाइशी से बच जाएंगे, हम उस सुख को पाएंगे जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। हालेलुया। इसके लिए एक वचन है, जब यीशु मसीह अपने चेलों के संग गए थे, मरकुस, देखिए मरकुस 4:35-41 के बीच में हम इस वृतांत को पढ़ेंगे और आशीष पाएंगे। हालेलुया। मरकुस 4:35-41, जब यीशु मसीह अपने चेलों को लेकर झील के उस पार जा रहे थे, प्रेज द लॉर्ड, और नाव में वो चढ़े और नाव में चढ़कर उन्होंने कहा कि आओ हम झील के उस पार चलते हैं। पढ़िए बेटा। उसी दिन जब साँझ हुई तो उसने चेलों से कहा आओ हम पार चले, और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसे ही उसे नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और भी नाव
किनारे थी। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह पानी से भरी जाती थी, पर वह अब पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया और उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, यह कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं? आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। इस वचन को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। मैं आपके लिए दोबारा पढ़ता हूँ, ध्यान से इस वचन को समझिए। उसी दिन जब संध्या हुई तो उसने उनसे कहा, किससे कहा? चेलों से कहा, आओ हम उस पार चलें। और भीड़ को छोड़कर उन्होंने जैसा वो था उसे अपने साथ नाव में ले लिया, और वहाँ उनके साथ और भी नावें थीं। जब एक भयानक आंधी आई और लहरें नाव से टकराने लगीं, यहाँ तक कि पानी नाव में भरने लगा था, और वो स्वयं नाव के पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था, और उन्होंने उसे जगाया और कहा कि हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नाश हुए जाते हैं? तब जगाए जाने पर उसने आंधी को डांटा और झील से कहा, शांत हो जा, थम जा। और आंधी थम गई और सब कुछ शांत हो गया। और उसने कहा, तुम इतने डरपोक क्यों हो? ये कैसी बात है कि तुम में विश्वास नहीं है? प्रेज़ द लॉर्ड। नाव पे चढ़ने के बाद क्या कहा यीशु मसीह ने? आओ हम झील के उस पार चलें। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने आपको दर्शन दिया, यीशु मसीह ने बताया कि आपका उद्देश्य क्या है, आपको जाना कहाँ है। क्या आप सबको पता है आपको जाना कहाँ है? हाँ के ना? आपको पता है जाना कहाँ है? कहाँ जाना है? आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको कहाँ जाना है? स्वर्ग। किसके साथ? ये पता है ना आपको? आमेन। अब देखिए, चेलों ने क्या गलती की। कभी कभी इंसान जानकर भी अनजान बन जाता है, बहुत बार। चेलों को यीशु मसीह ने कहा, आओ हम झील के उस पार चलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन चेले उसकी बात को ना समझे, उसकी बात पर यकीन नहीं किया, या यकीन भी किया तो तवज्जो नहीं दी उस बात पर कि हमको कहाँ जाना है या यीशु मसीह ने क्या कहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों नहीं किया? क्योंकि वो अपनी बुद्धिमानी पर घमंड कर रहे थे कि हम चेले, अरे ये नाव है, इसमें तो हम कई बार आ चुके हैं। अरे पतरस, यही तो झील थी जहां पर हमने आपका मछलियां पकड़ी थी 2 साल पहले, यही तो जगह थी जहां हम आए थे खेलने के लिए एक बार। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु सो गया। हेलो, यीशु सो गया। लेकिन चेले उस बात से दूर हो गए कि हमें जाना कहां है, हम किसके साथ हैं। यीशु क्या चाहता है? कि हम उसके साथ रहे। हालेलुया। यीशु 3 साल तक 3.5 साल तक अपने चेलों को साथ लेकर चला। एक पल भी यीशु मसीह के साथ परमेश्वर दूर नहीं हुआ। सिर्फ क्रूस पर उस 3 घंटे के लिए, जब पहली बार यीशु ने पिता को परमेश्वर कहा कि हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। आमेन। क्रूस पर पहली बार यीशु मसीह ने अपने पिता को परमेश्वर कहा, क्योंकि पिता ने छोड़ दिया था। यीशु क्या चाहता है? परमेश्वर क्या चाहता है? कि हम उसमें बने रहें। हालेलुया। आप जब उसमें बने रहेंगे तो ही आप यीशु को समझ पाएंगे, तो ही आप यीशु का जीवन जी पाएंगे, तो ही वो जीवन आपके अंदर काम करेगा जब आप उसके अंदर बने रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। माँ के अंदर, माँ के साथ अगर बेटा बना रहेगा, जब तक माँ के साथ बेटा बना रहता है, उसका दूध पीता रहता है, उसकी सांसों में उसका साथ होता है, जब तक वो, आप देखिए उसका, उसकी सुरक्षा परमेश्वर करता है। हालेलुया। लेकिन जहां वो बेटा माँ से अलग हो जाता है, उसका दूध पीना छूटता है, वो संसार की गोद में चला जाता है, तभी से माँ को चिंता हो जाती है कि क्या होगा, अब कहाँ है, कहाँ जाएगा, क्या करेगा।
प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि वो अलग हो गया है। प्रॉब्लम क्या है कि हम जब यीशु से अलग हो जाते हैं तो हमारे जीवन में चिंताएं, चिंता एक विषय के लेकर आती है। हालेलुया। ये चेलों को जब यीशु मसीह ने कहा कि उस पार चलें, आओ हम उस पार चलें, प्रेज द लॉर्ड, और वो सो गया। हालेलुया। आंधी आई, तूफान आया, चेले डर गए। क्यों डर गए? क्या तूफान उन्होंने पहले नहीं देखा था? क्या आंधी उन्होंने पहले नहीं देखी थी? क्या पानी पे वो पहले नहीं आए थे? नाव में पहली बार चढ़े थे क्या? आमीन। क्योंकि वो यीशु से अलग हो गए थे। सत्य कौन है? हेलो, सत्य कौन है? हालेलुया। सत्य क्या है? उस आंधी में भी आराम करना। उस सत्य को भूल गए वो कि वो आंधी में भी आराम कर रहा है, तूफान में भी वो सो रहा है। यही सत्य है। हेलो, यही सत्य है कि उस आंधी और तूफान में यीशु सो रहा है। समझे कि नहीं समझे? हालेलुया। हमें भी आंधी और तूफान में सोना है। आमीन। चेले क्योंकि यीशु से अलग हो गए थे, उसकी उपस्थिति से अलग हो गए थे, वो सो रहा था और वो बातें कर रहे थे। हालेलुया। यीशु सो रहा था, उसने क्या बताया? चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, मैं क्यों सो रहा था? क्योंकि मैं पिता के साथ था। आंधी आए, तूफान आए, आप क्यों डर गए? क्योंकि आप यीशु के साथ नहीं थे। आप यीशु के साथ नहीं थे। आप क्यों डर जाते? क्योंकि यीशु के साथ नहीं है। आप चर्च आते हैं लेकिन यीशु के साथ नहीं है। आप बाइबल पढ़ते हैं लेकिन यीशु के साथ नहीं है। आप उपवास करते हैं लेकिन यीशु के साथ नहीं है आप। इसलिए यीशु का जीवन आप नहीं जी रहे हैं, अपना ही जीवन जी रहे हैं आप। प्रेज द लॉर्ड। हम क्यों? यशाया 58:5, यीशु पिता के साथ क्यों था? यीशु पिता के साथ कैसे था? क्योंकि वो दीन और नम्र बनकर हमेशा उसकी उपस्थिति में था। जो वो कहता था वो ही करता था। हालेलुया। 30 साल तक वो इंतजार करता रहा कि कब परमेश्वर कहेगा और मैं बपतिस्मा लूंगा। 30 साल तक। बाइबल कहती है उसने अधीनता का जीवन जिया और इंतजार करता रहा परमेश्वर की आज्ञा का। यूहन्ना बपतिस्मा वाला इंतजार करता रहा परमेश्वर का, उस आज्ञा का कि कब परमेश्वर बोलेगा और मैं कब उस जंगल में एक आवाज की तरह सबके सामने आऊंगा, एक पुकारने वाले आवाज बनकर मैं सबके सामने आऊंगा। यूहन्ना बपतिस्मा वाला जंगल में था, तब वो प्रभु में एक था। आमीन। इसलिए जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, आकाश खुला और आकाशवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं अति प्रसन्न हूं। आमीन। क्योंकि वो उसमें बना हुआ था। हालेलुया। चेले यीशु में नहीं बने हुए थे, वो भूल गए कि हमें कहां जाना है। वो भूल गए हमारा मकसद वो झील के उस पार है। हमारा जीवन यीशु है, हमारा प्रकाशन यीशु है। प्रेज द लॉर्ड। मुझे किसके साथ जाना है? कौन है मेरे साथ? उस सत्य को पहचानिए जो आपके साथ है। सत्य को पहचानिए। बाइबल कहती है फिलिपियों 4:6, किसी भी बात की चिंता मत करो, बल्कि हर बात में निवेदन और प्रार्थना के साथ धन्यवाद देते रहो। किसी भी बात की। रूपांतरण के पहाड़ से जब उतरते हुए यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, यूहन्ना पत्रस और याकूब से, कि मैं महायाचकों के हाथों में आप मुझे पकड़वाया जाएगा और लोग मुझे मारेंगे, मेरे मुंह पे थूकेंगे और मैं 3 दिन के बाद जिंदा हो जाऊंगा।
Praise the Lord. Hallelujah. मैं आपको आज यीशु के जीवन के बारे में बताऊंगा. यीशु मसीह ने कैसे जीवन जिया. हालेलुया. हम छोटी से छोटी समस्याओं से हार जाते हैं. हम छोटी सी छोटी समस्याएं हमारे ऊपर हावी हो जाती हैं. छोटी सी छोटी परीक्षाएं हमारे ऊपर हावी हो जाती हैं. यीशु मसीह ने मरने से पहले 7 बार अपने चेलों से कहा कि मैं पकड़वाया जाऊंगा क्रूस पर, मुझे कोड़े लगाए जाएंगे, मेरे मुंह पर थूका जाएगा, मैं मर जाऊंगा और लोग मुझे मारेंगे और 3 दिन के बाद मैं जीवित हो जाऊंगा. प्रेज़ द लॉर्ड. लेकिन उसके बाद वो बात बोलने के बाद वो रोए नहीं. हालेलुया. वो रोए. उन्होंने चेलों से कितनी बार कहा, चेले नहीं समझ पाए, लेकिन वो बोल रहे थे कि मैं मर के जिंदा होने वाला हूं. प्रेज़ द लॉर्ड. क्या उनकी चिंता उनके जीवन में दिखाई दे रही थी? जो भविष्य में होने वाला है उन्होंने बताया, लेकिन चिंता नहीं की. आमीन. आप सोचिए, अगर आपको पता चलेगा कि साहब कल आपका एक्सीडेंट होने वाला है, प्रभु आपको बता दे कि कल आपका एक्सीडेंट होगा और आपकी एक टांग टूट जाएगी और आप किसी तरीके से आप घसीटते हुए रेंगते हुए आप जाएंगे, क्या आप रात को सो पाएंगे? आप नहीं सो पाएंगे. आमीन. लेकिन यीशु मसीह सो रहा था. लेकिन यीशु मसीह सो रहा था क्योंकि वही सत्य है. आमीन. इसी सत्य को हमें अपने जीवन में उतारना है. इसी सत्य के साथ हमें चलना है, तब हम उसके कामों को देख सकते हैं. प्रेज़ द लॉर्ड. चेले कहने लगे, अरे गुरु तू सो रहा है, हम मरे जा रहे हैं. यीशु उठा और उसने लहरों को शांत किया, जो तूफान आया था उसको डांटा और सबसे पहला क्या जवाब दिया, कहां है तुम्हारा विश्वास? मैन, तुम्हारा विश्वास कहां है? प्रेज़ द लॉर्ड. आमीन. कहां है आपका विश्वास? पहला यूहन्ना 5:4 पढ़िए. क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है. और वह विजय जिसे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है. आमीन. आपका विश्वास है जो आपको जय प्राप्त करता है. आप किस विश्वास के बारे में जानते हैं? आप एक ही विश्वास के बारे में जानते हैं कि यीशु मसीह मेरे लिए मरा और मर के जिंदा हो गया. आप सिर्फ एक ही विश्वास के बारे में जानते हैं कि मैं यीशु मसीह के लहू से पवित्र हो चुका हूं. सिर्फ आप बोलते हैं, लेकिन उस पवित्रता की शक्ति आपके अंदर काम नहीं कर रही है, नहीं कर रही है. या किस विश्वास की बात कर रहे हैं आप? जो उससे उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय प्राप्त करेगा. आमीन. यानी कि संसार का कोई भी पाप मेरे अंदर नहीं आ सकता. कोई भी पाप मेरे अंदर नहीं आ सकता. पता, क्योंकि यही तो है, संसार पर जय प्राप्त की आपने. संसार पर कैसे जय प्राप्त की आपने? सिर्फ कलीसिया आने से, बाइबल पढ़ने से, हालेलुया बोलने से? आपने उस विश्वास के संग अपना जीना शुरू किया कि कोई भी पाप मेरे ऊपर प्रभुता नहीं कर पाएगा. पता, नए नियम का पहला प्रॉमिस क्या है? मत्ती 1:21, मैथ्यू 1:21 पहला प्रॉमिस है परमेश्वर का, पहला प्रॉमिस है नए नियम का. जल्दी पढ़िए. वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा. आमीन. इंग्लिश में है इसका, एंड
She shall bring forth a son, and you shall call his name Jesus, for he shall save his people. बचाएगा. इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है? अपने लोगों को बचाएगा. किनसे? पापों से. हिंदी में लिखा हुआ है उद्धार. उद्धार का मतलब क्या है इंग्लिश में? सेव. बचाएगा. आमेन. अगर आप उससे उत्पन्न हुए हैं तो आप कोई पाप कर ही नहीं सकते. बाइबल कहती है, वचन कहता है, अगर यीशु आप में है. रोमियो 6:14 दोबारा पढ़ता हूं मैं आपके लिए, पढ़िए. कई बार आपको बता चुका हूं, रोमियो 6:14. प्रेज द लॉर्ड. तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो. आमेन. आप पुराने नियम के अनुसार जीवन नहीं गुजार रहे हैं. पुराने नियम और नए नियम में बहुत फर्क है. अगर आप नए नियम को अच्छी तरह से समझ लेंगे तो ही आप यीशु मसीह में एक हो पाएंगे. हालेलुया. पुराने नियम में कहा गया है जो हत्या करेगा उसको दंड दिया जाएगा. आमेन. नए नियम में क्या कहा गया है? जो क्रोध करेगा वो नरक का भागी है. जो क्रोध करेगा. पुराने नियम में कहा गया है जो किसी गैर स्त्री के संग गलत काम करेगा वो दंड का अधिकारी है. लेकिन नए नियम में कहा गया है अगर कोई पराई स्त्री को गलत निगाह से देखेगा तो वो दंड का अधिकारी है. आमेन. पुराने नियम में कहा गया है कि अगर आप अपनी आय का दसवां अंश नहीं देंगे, ये परमेश्वर की आज्ञा है कि आपको अपनी आय का दशांश परमेश्वर को देना है. प्रेज द लॉर्ड. लेकिन नए नियम में कहा गया है हमारा 100% परमेश्वर का है. आमेन. 10% नहीं है. पुराने नियम में सप्ताह में एक बार आपको पवित्र जीवन जीना है. सब्त के दिन आपको पवित्र रहना है. पुराने नियम में कहा गया है. नए नियम कहता है हमारा पूरा दिन, पूरा सप्ताह, सातों दिन हमें पवित्र जीवन जीना है. निर्गमन की पुस्तक पढ़ेंगे तो नए नियम में, पुराने नियम में लिखा हुआ है कि ये करो ये मत करो, ये करो ये मत करो. लेकिन नए नियम में परमेश्वर ने क्या कहा? इब्रानियों की पत्री 8:9-10-11 पढ़ेंगे तो मैं उनके मनों में अपने वचन लिखूंगा, अपने नियम लिखूंगा. मैं करूंगा. ये है नया नियम. उस नए नियम को पहचानिए आप. प्रेज द लॉर्ड. उसने अपनी आत्मा क्यों दी है आपको? पुराने नियम में 40 साल तक इज़राइलीज़ भटकते रहे. प्रेज द लॉर्ड. पुराने नियम में परमेश्वर ने आज्ञा दी ऊपर से. मूसा ने कहा कि जाओ जितने भी अन्य जाति के लोग हैं इनको मारो. कनान देश को अगर आपको हासिल करना है, जितने भी राजा हैं, जितने भी हैं यरियो देश में, जितने भी हैं उनको मारो काटो और वो देश अपना लो. कहा है? हां के ना. कहा है कि नहीं? नए नियम में क्या कहा है? दुश्मनों को माफ करो. आमेन. हम नए नियम में हमें जीना है. हमें नए नियम में जीना है. आप पुराने नियम में जिएंगे परमेश्वर का आशीष आप कभी नहीं पाएंगे. प्रेज द लॉर्ड. नए नियम में कहा है अपना इनकार करो. जांचो. किसको? खुद को. हम दूसरों को जांचते हैं. मेरा पड़ोसी कैसा है? मेरा ये लीडर कैसा है?
मेरा ये आदमी कैसा, ये बहन कैसी है, नहीं। क्यों आप आशीष नहीं पा रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर का वचन आपके अंदर नहीं जा रहा है। हालेलुया। आप क्यों बार बार बीमार हो रहे हैं? किसी डॉक्टर के पास आप जाते हैं, डॉक्टर आपको कहता है ना कि डॉक्टर साहब नींद नहीं आती है, बहुत सर में दर्द रहता है, आंखें ऐसी बंद बंद होती हैं, कभी कभी सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। डॉक्टर क्या बोलता है? बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं आप, यही कहता है। बहुत तनाव है लगता मुझे आपको, क्या टेंशन है आपको, क्यों रात को नहीं सो पाते, क्या टेंशन है, कोई बीमारी है? यानी कि बीमारी क्या हुई? आपकी टेंशन। डॉक्टर क्या कहता है? आपकी बीमारी आपकी टेंशन है, इसकी वजह से आपका सिर का दर्द हो रहा है, इसकी आपकी आंखें बंद हो रही हैं, आपकी आंखें वीक हो रही हैं, इसलिए आप प्रॉब्लम में है। यही तो वचन कहता है। हेलो, यही आपका नया नियम यही कहता है, दूसरों को जांचोगे, दूसरों को अन्याय करोगे, बीमार हो जाओगे। यस कह रहा हूं मैं आपको, फैक्ट बता रहा हूं। अगर परमेश्वर के वचन पे नहीं चलोगे बीमार रहोगे, करके देख लो। बीमारी कभी यहां दर्द, कभी वहां दर्द, कभी यहां नहीं, कभी वहां नहीं, क्योंकि हम खुद को नहीं जांच रहे हैं, हम दुनिया को जांच रहे हैं, और ये बाइबल नहीं कहती है। प्रेज द लॉर्ड। नए नियम को समझना, नए नियम के अनुसार चलना हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसलिए जो चेले हैं वो यीशु के कहे हुए बात को समझ नहीं पाए। प्रेज द लॉर्ड। जो यीशु मसीह ने कहा उसके अनुसार चले नहीं। दीनता और नम्रता परमेश्वर की आज्ञा है कि हम उस जीवन को बिताएं। हालेलुया। यशाया 50 का 4 क्या कहता है? कि हमें सीखने की जीभ दी है। प्रेज द लॉर्ड। यशाया 50 का 4 पढ़िए। प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीभ दी है कि मैं थके हुए को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। भोर को वह नित मुझे जगाता और मेरा कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। आमीन। कैसे सुनेंगे आप? शिष्य के समान, यानी कि आप में दीनता होगी। आप में अगर नम्रता नहीं है, आप में अगर सीखने की इच्छा नहीं है, किसी से भी, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी समय, मैं आज पास्टर हूं और मुझे परमेश्वर ने थोड़ा बहुत प्रकाशन दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं बहुत सीख गया हूं। अभी भी मेरे अंदर सीखने की जीभ है। अभी भी मैं सुबह उठता हूं और मांगता हूं, परमेश्वर मुझे प्रकाशन दीजिए। तो मुझे प्रकाशन कैसे मांगना पड़ेगा? दीन होकर, नम्र होकर। मैं ये नहीं कह सकता हूं कि पुराना नियम तो आ गया मुझे, प्रभु अब नया नियम बताओ। पौलुस की पत्रियां को मैं जानता हूं, 4 सुसमाचार के बारे में बताओ आप। नहीं, मुझे दीनता और नम्रता के साथ स्वीकार करना है। अगर आप दीन और नम्र नहीं हैं तो आप परमेश्वर का अभिषेक नहीं प्राप्त कर सकते। क्योंकि अगर आप दीन और नम्र नहीं तो आप क्या हैं? घमंडी। आपको पता है कि सबसे सबसे बुरी चीज, सबसे बड़ा पाप क्या है? आपको पता है, हत्या करना बहुत बड़ा पाप नहीं है। व्यभिचार बहुत बड़ा पाप नहीं है। अगर व्यभिचार बहुत बड़ा पाप होता तो यीशु मसीह मरियम मगदलीनी को माफ नहीं करता कि दोबारा मत करना। व्यभिचार करती थी ना वो, व्यभिचार करती थी ना मरियम मगदलीनी। क्या कहता है यीशु मसीह ने? कि दोबारा मत करना। आमीन। हालेलुया। हत्या करना बहुत बड़ा पाप नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। बहुत बड़ा पाप पता क्या है? दिखावा करना, दिखावा,
अंदर से कुछ है, बाहर से कुछ है। बहुत से मसीह हैं आज कलीसिया में, सबसे ज्यादा है कलीसिया में, सबसे ज्यादा है कि अंदर से कुछ है बाहर से कुछ है। अंदर की चीज पाप है, परमेश्वर बर्दाश्त नहीं करता है, न घमंड को बर्दाश्त करता है, न दिखावे को बर्दाश्त कर सकता है। जहां आपके अंदर दिखावा आया वहां से ईमानदारी चली जाती है। परमेश्वर ईमानदारों की इज्जत करता है। आमीन। आपको नहीं आता पढ़ना, कोई बात नहीं, आप प्रार्थना कर रहे हैं, आपके जीवन में काम हो रहा है, धन्यवाद। नहीं हो रहा है, धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। याकूब की पत्री 4:6, याकूब की पत्री 4:6, वह तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण यह लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दिनों पर अनुग्रह करता है। आमीन। किस पर अनुग्रह करता है? आमीन। अभिमानियों का विरोध करता है। अगर आपके अंदर अभिमान का विचार आ रहा है तो आप समझ जाइए आपके विरोध में परमेश्वर खड़ा हुआ है। अगर आपके अंदर घमंड आ रहा है, यस, अभिमानियों का विरोध करता है परमेश्वर। अगर आपके अंदर अभिमान का विचार आ रहा है, परमेश्वर आपके साथ नहीं है, नहीं है परमेश्वर आपके साथ। दीनों पर अनुग्रह करता है। हालेलुया। जो दीन है, जो नम्र है, जो दीनता और नम्रता के साथ परमेश्वर के सामने आते हैं। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए कभी भी अपने अंदर घमंड मत आने दीजिए, अभिमान मत आने दीजिए कि मैं अच्छा गाता हूं, मैं अच्छा प्रचार करता हूं। अरे वाह, मुझ जैसा कोई प्रचार करता ही नहीं है। कोई नहीं, कहीं नहीं है आप, क्योंकि पवित्र आत्मा की कृपा है जो आप प्रचार कर रहे हैं। आप सुन पा रहे हैं या पवित्र आत्मा की कृपा है? आप समझ पा रहे हैं या पवित्र आत्मा की कृपा है? आमीन। इसलिए हम कुछ भी नहीं है, वी आर नथिंग, कहीं भी हम कुछ भी नहीं है। हमारे अंदर जो अहम है वो हमें परमेश्वर से दूर करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उपवास में भी परमेश्वर दीनता ही चाहता है। यशाया 58:5, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे, क्या तू इस प्रकार करते हो? क्या सिर को झाऊ के समान झुकाना और अपनी नीचे टाट बिछाना और राख फैलाने को तू? जिस उपवास से परमेश्वर प्रसन्न होता है वो क्या है? दीनता के साथ। अगर आपके उपवास में दीनता नहीं है तो परमेश्वर उसे स्वीकार नहीं करेगा। अगर आप में के जीवन में दीनता नहीं है तो परमेश्वर उसे स्वीकार नहीं करेगा। मैं आपको सच कहता हूं, हमारे लिए सबसे पहली बात है कि हम उस दीनता के साथ रहें। इसीलिए मत्ती 5:3 में कि लिखा हुआ, धन्य है वो जो मन का दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उसी का है। याद रखिए, स्वर्ग का राज्य उसी का है जो मन का दीन है। मन का दीन है, क्योंकि अभिमानियों का विरोध करता है परमेश्वर। क्यों करता है? क्योंकि आप जो कर रहे हैं वो परमेश्वर की कृपा है। आप अच्छा कमा रहे हैं, परमेश्वर की दया है। आप मत सोचिए कि मेरे अंदर बुद्धि है, देखा 1,00,000 रुपए कमाता हूं, देखा दो, कहीं नहीं। अगर उसने बुद्धि छीन ली ना भाई, जो अभी काम कर रहे हैं आप तो सक्सेस हो रहे हैं, कल को ऐसा वक्त ना आ जाए कि जो आप काम करें उसी में ही असफलता हो, खत्म हो जाएंगे, फ्रस्ट्रेटेड, अरे ये क्या हो रहा है,
पहले मैं जो करता था अच्छा होता था, अभी जो मैं करता हूं अच्छा नहीं होता। अरे क्योंकि पहले परमेश्वर था, आपने उसका मान नहीं दिया। जब परमेश्वर का मान नहीं दिया वो हट गया, अब आप करिए, आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। पौलुस ने मुर्दों को जिंदा किया, पौलुस के रुमाल से लोग मुर्दे चिंता चंगे होते थे, लोग चंगे होते थे, लेकिन जब वो बीमार था तो परमेश्वर ने उसे चंगा नहीं किया। क्यों चंगा नहीं किया पता है? दूसरा कुरिन्थियन 12:9, क्यों चंगा नहीं किया? कि उसमें घमंड ना आ जाए। वो प्यार करता था, परमेश्वर पौलुस से प्यार करता था। आमीन। इतनी सेवा की पौलुस ने, इतनी सेवा की, अपना सब कुछ छोड़ दिया, कोड़े खाए, कोड़ों की मार खाए, उसका जीवन कई बार उसने मौत के मुंह में जाकर अपने वापस आया है, लेकिन उसके बावजूद भी उसने जब कहा कि पिता प्रभु मुझे कांटा छुपा है, इस कांटा को निकाल दे, तो परमेश्वर ने क्या कहा? दूसरा कुरिन्थियन 12:9, पर उसने मुझसे कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। आमीन। मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। हालेलुया। ये जो हम जीवन जी रहे हैं ये परमेश्वर का अनुग्रह है। हम कलीसिया आ पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं, परमेश्वर का अनुग्रह है। मैं सच कह रहा हूं, ऐसा वक्त आने वाला है कि हो सकता है हम लोग एक साथ ना मिल पाए। सताव का समय आपको नहीं पता है। आज धन्यवाद बोलिए कि प्रभु हमें एक साथ मिला रहा है, एक साथ बैठकर हम मनन कर पा रहे हैं, वचन को समझ पा रहे हैं, ये उसका अनुग्रह है। प्रेज़ द लॉर्ड। किसी भी बात का घमंड हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। लूसीफर के अंदर सिर्फ घमंड था, उसने कोई हत्या नहीं की थी, कोई व्यभिचार नहीं किया था उसने, लूसीफर ने घमंड था, उसके अंदर घमंड आ गया कि मैं एक अच्छा आराधक हूं, खूबसूरत हूं, मैं, उसके अंदर मैं आ गया। परमेश्वर ने उसे निकाल दिया। मैं, अपने अंदर मैं मत आने दीजिए, क्योंकि जो मैं है ना आपको कठोर कर देगा, ये जो मैं है ना वो परमेश्वर से दूर कर देगा, बिल्कुल दूर कर देगा। पाप क्या है? पाप क्यों इतना घिनौना है? पाप की मजदूरी क्या है? रोमियो 6:23 निकालिए, रोमियो 6:23, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। आमीन। पाप की मजदूरी क्या है? आमीन। मैंने पाप किया और जब मैं मर गया तो मृत्यु की वजह से मेरे पाप की जो मजदूरी है वो मैंने चुका दी, इसलिए अब मुझे कोई सजा नहीं है। देखा हुआ ना, पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु। जब मैं मर गया तो मेरा पाप खत्म। हेलो, मैंने मर कर मृत्यु चुका दी ना, मजदूरी कर दी ना उसकी पूरी। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। तुम कैसा पाप? लेकिन ये पाप हमें परमेश्वर से अलग करता है। सबसे बड़ा पाप का गुनाह क्या है? पाप क्यों गलत है? क्योंकि वो हमें परमेश्वर से दूर करता है। परमेश्वर ने आदम से कहा था, जब तू पाप करेगा ये फल खाएगा तो तू मर जाएगा। कौन सी मौत? आत्मा की मौत। यीशु सबसे ज्यादा दुखी कब हुआ? यीशु सबसे ज्यादा दुखी कब हुआ? वो उन 3 घंटों में
जब उसके पिता ने उसको छोड़ दिया था, अंधकार छा गया, और तब उसने रोकर कहा था, हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। उस समय वो जो अंदरूनी, जो अनंत काल का जो दुख था, वो उस समय उसने झेला है, क्योंकि परमेश्वर से अलग हो गया था। पाप हमें परमेश्वर से अलग करता है, यही हमारी मृत्यु है। अगर आपके जीवन में परमेश्वर नहीं है तो आप कुछ नहीं है। पाप परमेश्वर से अलग करता है, इसलिए उस पाप को यीशु मसीह ने अपने ऊपर लिया, और वो 3 घंटे अनंत काल का जो दुख सहा उसने, क्योंकि परमेश्वर उसे अलग हो गया था। पहली बार था जब परमेश्वर उसने अपने पिता को परमेश्वर कहा, पिता का जो हक था वो चला गया, क्योंकि उसने पाप ले लिया था। उसको मरने से डर नहीं लग रहा था। गस्समनी के समय वो इसलिए नहीं कह रहा था कि परमेश्वर ये प्याला मेरे पास से हट जाए, कि मुझे कोड़ों से डर लग रहा है, मुझे कीले चुभने से डर लग रहा है। नहीं, वो पाप का प्याला पीने से डर रहा था, क्योंकि वो जानता था कि जब मैं पाप का प्याला पीऊंगा, मैं अपने पिता से अलग हो जाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड, हमें अपने पिता से अलग नहीं होना है। इसलिए घमंड मत करिए। जो कहता है, जो उसने कहा है, वो आएगा और हमको लेके जाएगा। इस वचन को थाम के रखिए। जैसे चेलों ने उस लक्ष्य को भूल गए थे कि यीशु मसीह ने कहा कि उस पार आओ, हम उस पार चलें, हमें भी उस पार ले जाने का वादा किया यीशु ने। हालेलुया। हमें इस वादे को हमेशा याद रखना है, चाहे कोई भी हो, चाहे कैसा काम हो, चाहे कैसी भी स्थिति हो, हमें उस वादे को, उस वाक्य को, उस वचन को नहीं भूलना है कि हमें उस पार जाना है। हमें यीशु के आने तक अपने आप को परमेश्वर के योग्य बनाना है। इसलिए कुछ भी ऐसा जो हमें परमेश्वर से दूर कर दे, हमें नहीं करना है। ना ही हमें वो सुख चाहिए जो हमें परमेश्वर से दूर कर दे। आमेन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। याद रखिए मेरे भाई, हर पल, हर सुबह अपने आप को याद दिलाइए कि आप क्या हैं। दाऊद ने अपने मन से कहा था, ए मेरे मन, यहोवा के उपकारों को मत भूल। रोज अपने मन को याद दिलाइए कि ऐ मेरे मन, मत भूल कि तुझे यीशु के साथ जाना है। मत भूल के यीशु आएगा, सब कुछ यहाँ रह जाएगा। ये दौलत, ये मकान, ये गाड़ियाँ, सब कुछ यहाँ ले जाएगा, सिर्फ मैं जाने वाला हूँ। इसलिए मुझे खुद को संभालना है, इसलिए मुझे खुद को जांचना है। और वो यीशु कभी भी आ सकता है, वो आज भी आ सकता है, अगले पल भी आ सकता है, वो कभी भी आ सकता है। मेरे भाई, मेरी बहन, हम अपने आप को संभाल के रखें, हम अपने आप को बना के रखें, हम अपना न्याय करें, दूसरों का नहीं। प्लीज अपना न्याय करिए। बाइबल कहती है खुद को जांचो। बाइबल में कहीं नहीं लिखा है दूसरों को जांचो। खुद को जांचो और खुद को इस योग्य बनाओ कि प्रभु के साथ जा सको। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं आज का वचन आपको अच्छा लगा होगा। आमेन। मेरा एक ही मकसद है कि मेरा पूरा कलीसिया यीशु के आने तक यीशु में बना रहे, आपकी पवित्रता आपके साथ रहे, हम उस आत्मा के साथ रहे जो हमें दी हुई है, हम उस आत्मा की अगुवाई में चलें जो परमेश्वर ने हमें दी है। हमें बहुत बड़ा आशीष मिला हुआ है। इसको अपने घमंड, अपने ईगो, अपने दिखावे में इसको भुलाइए मत, इसको जाने मत दीजिए। हालेलुया। आज का वचन अच्छा लगा? प्रभु आपको आशीष दे।